खा रहे हैं आप? 6 महीने से। अच्छा, जब से दुकान खुली तब से खा ही रहे हैं? जब से दुकान खुली जब से खा रहे हैं। 6 महीने से? 6 महीने जी। आप क्यों दोनों लेके खड़े हैं, खा के नहीं रहे? आप साइड में हो। अरे बिल्कुल खाइए। चलो आप खाइए। अच्छा, जब से खुली तभी से खा रहे हैं, क्या बात है। मतलब जितने भी लोग इधर खाने के लिए आते हैं वो जब से खा रहे हैं, जब से दुकान खुली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभी जलेसर में। ये जो नाला बाजार है वहीं पर, यहां पर एक कचौड़ी की शॉप है, गुल्ला भाई कचौड़ी वाले। तो इनकी जो शॉप है ना, इन्हीं के नाम से काफी फेमस है। तो चलिएगा भैया से बात करते हैं। नमस्कार भैया जी। नमस्कार। कब से लगा रहे हैं शॉप आप अपनी? 6-7 महीने से। अभी स्टार्ट किया है? क्या बात है, 6-7 महीने से स्टार्ट किया है। आप देख रहे हैं भीड़ लेने वालों की, काफी भीड़ लगी रहती है यहाँ पर, लोग वेटिंग में रहते हैं इनकी कचौड़ी खाने के लिए। तो अभी ये क्या क्या बनता है? खस्ता और बेड़ी, सिर्फ खस्ता और बेड़ी बनाते हैं। अच्छा, तो सब्जी कौन कौन सी रहती है अपने यहाँ? ये सूखी वाली किसकी सब्जी है? आलू की। ये आलू की सब्जी रहती है। और असीवली वाली? चना आलू। क्या बात है, ये चने आलू की सब्जी रहती है। तो चलिएगा भैया, कब से खा रहे हैं आप? 6 महीने से। अच्छा, जब से दुकान खुली तब से खा ही रहे हैं? क्या बात है, कैसा टेस्ट लग रहा है? बहुत बढ़िया। बढ़िया एकदम। रोज आते हैं? रोजाना। सुबह मतलब नाश्ता इन्हीं की कचौड़ी से करना है? यहीं से करते हैं। यहीं से करते हैं, घर ले जाते हैं कि नहीं? नहीं, घर नहीं ले जाते हैं। मतलब आप ही खाते हैं, मतलब घर वालों को टेस्ट नहीं देना की कचौड़ी का? नहीं, ठंडी हो जाती है। अच्छा, ठंडी हो जाती है, गर्म में टेस्ट है। क्या बात है, मेरे को लगा शायद पैसे बचा रहे हैं आप। नहीं, गर्म में काफी मजा आता है। तो अंकल जी, आप कब से आ रहे हैं? जब से दुकान खुली जब से जा रहे हैं। 6 महीने से? 6 महीने से। क्या बात है, मतलब सभी लोग जब से दुकान खुली तब से आ ही रहे हैं। हम तो घर भी ले जाते हैं। अच्छा, घर भी ले जाते हैं। आप ठंडी भी खिला देते हैं, मतलब आप पैसे नहीं बचाते हैं? पैसे काहे बचाए, हम नाते रिश्तेदार आ रहे हैं, वही भाई। अरे गजब, रोज तो आते हैं, जितने भी रिश्तेदार आते हैं सबको खिलाते हैं। और क्या, क्या बात है। आप देख रहे हैं, मतलब लोग दूर दूर तक लाइन लगा के खा रहे हैं। अभी हम भी टेस्ट करेंगे। तो चलिए पहले कचौड़ी लगवाते हैं। देखिए इनकी जो बेड़ी है, इनको देखिएगा, देखने में काफी करारी है ये भैया। ये फूली क्यों नहीं है बेड़ी? अच्छा, करारी सेकने के लिए। तो ये ना फूलने के लिए आप क्या करते हैं इसमें? अच्छा, सूजी डाल देते हैं। सूजी और बेसन है? क्या बात है। ये देखें इनकी कचौड़ियाँ हैं और बेड़ी हैं, और बेड़ी काफी करारी है, फुल्ला परवेज है दोनों भाई। अच्छा, करारी हो जाती है इससे। क्या बात है, मतलब एक बार फ्राई कर दिया है, एक बार फिर से फ्राई करेंगे, जैसे कि ये जो बेड़ी है इनकी एकदम से करारी हो जाए। ये जो भैया, ये इन कचौड़ियों को ऐसे दबा क्यों रहे हैं? अच्छा, करारी हो जाएंगे, मतलब करारी करने की सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। डबल बार सेकेंगे और दबाएंगे अलग से, जिससे कि एकदम से करारी हो जाए। यहाँ पर हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं और भैया जी दनादन खाने पे लगे हैं। भैया कैसा टेस्ट है? बहुत अच्छा टेस्ट है, एकदम बढ़िया है। आपका तो ध्यान ही नहीं है हमारे पास। नहीं, तो आपकी तरफ ही है ध्यान। नहीं, मेरे को तो लग रहा है मतलब टेस्ट इतना अच्छा है कि आपका ध्यान मेरी तरफ जा ही नहीं रहा है। कब से खा रहे हैं आप? दुकान खुली 6-7 महीने। अच्छा, जब से खुली है तभी से खा रहे हैं? क्या बात है, मतलब जितने भी लोग इधर खाने के लिए आते हैं वो जब से खा रहे हैं, जब से दुकान खुली है। इनकी बढ़िया दुकान है, फेमस, एकदम बढ़िया है। तो कितने रुपए की खा लेते हैं आप एक दिन में? 40-50 रुपए की। 40-50 रुपए की पर डे? ऐसा लग रहा है आप इनकी दुकान तो आप ही चला रहे हैं अकेले। काफी पसंद है आपको इनकी कचौड़ी? क्या बात है। भैया जी, आप क्यों दोनों लगे खड़े हैं, खा के नहीं रहे? आप साइड में हो। बिल्कुल खाइए। चलो आप खाइएगा। ये देखिए हमारी सब्जी आ गई है, सूखी सब्जी के ऊपर डाल दिया रसीली सब्जी, सूजी में डाल दिया रायता, मतलब मिक्स सब्जी बना दी आपने। ये तो टेस्ट करते हैं कैसा टेस्ट है। तो गाय लग के तैयार हो चुके हमारी कचौड़ी, तो आइए अपनी खाने में देखते हैं कैसी है स्वाद में। काफ़ी दमदार टेस्ट है भैया का, और जलेसर में काफ़ी फेमस भी है इनकी कचौड़ी। नाला बाजार जलेसर में इनकी कचौड़ी मिलती है, गुल्ला भाई करके इनका नाम है। और आप जलेसर कभी भी आते हैं, कहीं भी पता कर लीजिए, इनकी कचौड़ी काफ़ी फेमस है। और आएँ और कचौड़ी को टेस्ट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और लाइक करके बताएं वीडियो कैसी थी।